हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहाँ पर आपके क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग टॉप 15 हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 9 के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाए और आने वाले दिनों में यानी क्लास 10th में भी हमारा और आपका साथ बना रहे। तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, घंटी का आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिएगा, ऑल लिखा आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सभी का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ साथ क्लास 9 का प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर एक बार जरूर जाकर चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉप 15 सवाल को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? यानी कि सुविधा और मनोरंजन के जो उपकरण होते हैं उनसे बच्चित वंचित क्यों हैं? तो सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण, सामाजिक आर्थिक और विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी वर्ण विडंबना के उनके हाथों में से कलम की जगह काम पकड़ा दिया गया है। यानी कि जो उम्र बच्चों का खेलने का होता है, काम उस उम्र में क्या करवाया जा रहा है बच्चों से? काम करवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ठीक है, ये तर्क वाले सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इस सवालों को जो है इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बच्चों काम पर क्यों जा रहे हैं, यह एक भयानक तथा ज्वलंत प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि बालकों का उज्जवल भविष्य कायम रखने के लिए उनके बचपन से खिलवाड़ करना अनुचित अपराध है। बच्चों को उनके मौलिक अधिकार खेलने कूदने पढ़ने एवं खुली हवा में सांस लेने ना देकर हम उस पर जुल्म कर रहे हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा हम उस पर जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा जुल्म कर रहे हैं, ये वाला लाइन दे करके एंड कर दीजिएगा अपने आंसर का। अगला सवाल देखिए क्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है? तो बच्चों का रोजी रोटी के लिए काम पर निश्चित रूप से भयानक बात है। इस कारण उनका बचपन मारा जाता है, खुशियाँ नष्ट होती है, यहाँ तक कि जीवन कुम्हला जाता है, इसलिए उनका काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और अपने आंसर में देख लेना है। इसके बाद चौथा हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, काम पर जाते बच्चों का वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। तो बच्चे जिनका बचपन काम के लिए ही बना दिया गया है, वे कड़कती सर्दी में अपनी मजदूरी के सामान उठाए काम पर जा रहे हैं। जिन्हें ना भूख का पता है और ना सर्दी का एहसास है। तो इस आंसर को आप अपने नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अब जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार के बाद बरसने पर उल्हाना देकर अपने हल्के फुल्के क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया, उससे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इंपॉर्टेंट है। कवि ने पीपल, ये नंबर मत देखिए, जो हमारा सेट का क्वेश्चन चल रहा है वो आपका 6 है, ठीक है। तो कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा? पीपल की आयु बहुत अधिक होती है, वे लंबे समय तक बने रहते हैं, अन्य पेड़ों की तुलना में वे बुजुर्ग ही ठहरते हैं। कई बार 100-100 वर्ष की आयु वाले पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, अतः उन्हें बड़ा बुजुर्ग कहना बिल्कुल सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आ जाते हैं, ठीक है। गली है ना, तो गली गली में दरवाजे खिड़कियां क्यों खुलने लगे हैं? तो मेघ और वर्षा के स्वागत में, दूसरे शब्दों में वर्षा का आनंद लूटने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आपको नोट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 हो रहा है, गांव में मेघों का किस प्रकार स्वागत किया जाता है और क्यों। गांव में मेघों का मेहमान की तरह स्वागत किया जाता है। जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर हर्ष उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार बादल भी हर्ष का कारण है, क्योंकि किसान के लिए बादलों एवं वर्षा का महत्व सर्वविदित होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए, ठीक है। हवा बादलों का स्वागत किस प्रकार करती है। हवा चलने से बादल आगे ही उड़ते चले जाते हैं, ऐसा आभास होता है जैसे हवा बादलों के आगे नृत्य करती हुई चलती है। ठीक है, मेघों का पर्दापन किस प्रकार हो रहा है। तो मेघों का पर्दापन दामाद की तरह पूरी सज धज के साथ हो रहा है, वे पूरे साजो श्रृंगार के साथ बरसने के लिए आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो, कोयल स्पष्ट बोलो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में शामिल है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो कवि को महसूस होता है कि कोयल तो हरी भरी डाली पर बैठी है, किंतु वह काल कोठरी में कैद है। कोयल दूर गगन में उड़ सकती है, किंतु वह अंदर ही कैद है। कोयल मीठा बोलकर वाहवाही लूटती है, जब कवि कैदी होकर भी रो भी नहीं सकता। ठीक है, कवि जो है कैदी होकर के भी रो भी नहीं सकता। तो ये इसका आंसर हो गया, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे, इसलिए भी उन्हें गहना कहा गया है। तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, और चूंकि हथकड़ियाँ भी शरीर पर ही झूल रही है, अतः इन्हें गहना कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करना है। तो देखिए, यहाँ पर अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार हैं, वर्णों की आवृत्ति के अनुप्रास है, तथा काली में पहले कालिमा का अर्थ रग और दूसरी का अर्थ कुव्यवस्था है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, गोपी क्या करने से मना कर देती है और क्यों। गोपी अपने होंठों पर बांसुरी रखने से कतई मना कर देती है, वहां बांसुरी की अपनी स्रोत समझती है, अतः सैतिया ढावस वह उसे कतई नहीं अपना सकती। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद है हमारा अगला, नायिका होंठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती है। नायिका मुरली के प्रति सौतिया ढाह रखती है, कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते, अतः वह मुरली से ईर्ष्या करती है, वह उसे अपने होंठों से नहीं लगाना चाहती। मतलब जो कृष्ण जी थे वो मुरली बजाया करते थे, इसलिए जो नायिका थी वो जो उसे क्या समझती थी, अपनी सौतन समझती थी, यानी सौतिया उसको लिखा गया है ना, कि ये जो मुरली पे पड़ती इतना प्रेम दिखाते हैं, इसलिए वो उसको पसंद नहीं थी, है ना। इसके बाद है इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों। श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा गया है, वे यमुना तट पर बंसी बजाया करते थे, उनके इसी रूप पर गोपियाँ मुग्ध थी, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। अगला और अंतिम सवाल है मेरा, ये वाला सवाल है, देख लीजिए, 1917 में स्वतंत्रता संग्राम का क्या स्वरूप था। तो 1917 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था, गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आरंभ हो गया था, जन जागरण के लिए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कवि सम्मेलन आरंभ हो चुके थे, इलाहाबाद का आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन चुका था। तो ये आंसर को नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, इंस्टाग्राम और मेरा सेकेंड चैनल, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।